चैनल गीता रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पेरेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कि हमारे जो 0 से 6 मंथ के बच्चे होते हैं तो उनके रूम में जहां हमारे बच्चे लेटते हैं तो बच्चे के रूम में हमको क्या क्या ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए कि जो बच्चा हमारा निगेटिव ऊर्जा से बचा रहे, निगेटिव शक्ति से बचा रहे। क्योंकि पेरेंट्स जो 0 से 6 मंथ के बच्चे होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है निगेटिव शक्ति से। क्योंकि पेरेंट्स जो निगेटिव शक्ति होती है तो उसमें बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे रोते बहुत हैं और बच्चे दूध भी पीना कम कर देते हैं और बच्चों को उल्टियाँ होना शुरू हो जाती। जो बच्चे दूध पीते हैं वो पलट देते हैं बच्चे और हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमारे बच्चे को ये क्या कैसे, तो हम डॉक्टर के पास उनको लेकर के तुरंत जाते हैं। फिर भी बच्चों को आराम नहीं मिलता है तो ऐसा हम क्या करें कि जो बच्चे हमारे बीमार हो जाते हैं निगेटिव शक्ति के द्वारा, तो हम ऐसा क्या करें कि जो बच्चे हमारे इस खतरे से बाहर रहें। सबसे पहला ये है कि बच्चे जहाँ लेटते हैं, जिस बिस्तर में बच्चे लेटते हैं, तो वो चारपाई हो या बेड हो, तो उसके नीचे, पावे के नीचे हमको हंसिया है या खुरपी है उसको लगा करके पावे से टच करके रखना चाहिए। 0 से 6 मंथ के बच्चों को खासकर जिस रूम में बच्चा रहता है उसमें कोई दीवार काले कलर की नहीं होनी चाहिए और कोई काली जैसे टेबल होती है, ये कोई चीज़ है तो बच्चे के बगल में नहीं रखना चाहिए। बच्चे की जो बेडशीट है, जो आप बिछाए हुए हैं, वो भी काले कलर की नहीं होनी चाहिए। और पेरेंट्स, जिस बेड में बच्चा लेटता है उस बेड में आपको खाना नहीं खाना चाहिए। जैसे दाल चावल रोटी है, लोग क्या करते हैं कि उसी में बैठे उसी में खा लेते हैं, तो बच्चे से दूर हट करके ही खाना खाएं। और पेरेंट्स, तीसरा हमारा ये है कि बच्चे के कहीं पर भी आप थोड़ी सी हींग लगा दें। हींग लगाने से भी जो नकारात्मक शक्ति निगेटिव एनर्जी होती है वो दूर ही रहती है। और आपको अपने बच्चे के रूम में क्या करना है कि जो गूगल लुबान आप लोग सभी जानते होंगे, आलस में आप लोग छोड़ देते हैं कि नहीं करना है, लेकिन हर हफ्ते में बच्चे के रूम में यानी अपना पूरा घर जो है वो बच्चे के रूम में, तो खास कर है गूगल लुबान को आपको जला करके कंडे की आग बनाइए, थोड़ी सी कंडे की आग में उसको डालिए और बच्चे को इस तरीके से ऐसे करके रूम को पूरा धुपा दीजिए। उससे भी जो होता है नकारात्मक जो शक्तियाँ होती हैं वो बहुत ही दूर रहती हैं। और पेरेंट्स, जिस रूम में, जिस बिस्तर में आपका बच्चा लेटता है, आप लेटती हैं, उस रूम में एक जो जिस देवी देवता को आप मानती हो ज़्यादा, उस देवी देवता की एक फोटो आपको लगाना है। वो किस तरीके से लगाना है, जैसे बच्चे का सिर है तो बच्चे के सिर वाली दीवार में ऊपर लगाना है और उसमें घी का दीपक आपको रोज जलाना है। क्योंकि पेरेंट्स, जिस जगह पर भगवान की मूर्तियां होती हैं, भगवान की पूजा होती है, उस जगह पर निगेटिव शक्तियां नहीं आती हैं। और पेरेंट्स, तीसरा हमारा ये है कि बच्चे के कहीं पर भी आप थोड़ी सी हींग लगा दें। हींग लगाने से भी जो नकारात्मक शक्ति निगेटिव एनर्जी होती है वो दूर ही रहती है। बच्चे के रूम की साफ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि रूम में कहीं जाला न लगा होना चाहिए और बच्चे के जो कपड़े बच्चा पहने हैं वो साफ सुथरा होना चाहिए। उनको आपको हर 2 दिन में तो कम से कम बदलना है, बल्कि बदलना तो डेली है, लेकिन फिर भी 2 दिन में तो आपको कपड़े बच्चे के चेंज ही करना है और बच्चे का जो बिस्तर है उसको चेंज करना है और बच्चे की जो रूम की आपके फर्श है, बच्चे के रूम की जो फर्श है तो उसको भी आप प्रतिदिन यानी दोनों टाइम आप अपने घर कमरे में पोछा लगाइए। पेरेंट्स, ऐसा करने से आपके बच्चे में, आपके कमरे में कभी भी निगेटिव शक्ति नहीं आ सकती है। तो प्लीज़ आप इस तरीके से अपने रूम की और बच्चे की सारी साफ सफाई से आप बच्चे का बहुत ही ज़्यादा ध्यान दीजिए। हमने जो उपाय आपको बताए हुए हैं उन उपायों को आप फॉलो कीजिए और बच्चे के आपके बच्चे के कभी भी निगेटिव शक्ति ऐसा करने से नहीं आएंगी। तो पेरेंट्स, ऐसे ही हमारे नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों से जुड़ी हुई अच्छी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर से जरूर कीजिए और दूसरों से शेयर कीजिए। धन्यवाद।